आप उस स्टेज पे गए हो तो उसकी थोड़ी सच्चाई जाननी थी कि क्या है एक्चुअली वो दुनिया में, मतलब जब इंसान को लगती है तो उसकी कैसे प्रिपरेशन होती है वो जानना। बिग शो, ट्रिपल एज, जॉन सीना। तो दोस्तों मेरे साथ है द ग्रेट खली। आज इनसे कुछ सवाल पूछने थे, इंडिया इनका पूरा फैन है, इंडिया इनका। तो कुछ सवाल थे सर आपसे कि हम ना बचपन से रेसलिंग फॉलो करते हैं, तो उसमें मतलब रेसलिंग की एक्चुअली में सच्चाई, आप उस स्टेज पे गए हो तो उसकी थोड़ी सच्चाई जाननी थी कि क्या है एक्चुअली वो दुनिया, उस दुनिया के बारे में जानना था सर थोड़ा। सच्चाई देखो ये मतलब जो आप टीवी पे देखते हैं बिल्कुल सही है, और बहुत टफ है गेम और इजी नहीं है, हर रोज चोट लगती है लोगों को, रेसलर को। अगर आप रेसलर बनना चाहते हैं तो आप CW को ज्वाइन करिए, और सैटरडे संडे को हमारा यहाँ पर जो ग्रेट खली ढाबे पर भी कंपटीशन होता है सैटरडे को और संडे को शाम को 7:30 बजे, तो आप उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका खुद ही का खुद ही देख सकते हैं असली है कितनी नकली है। अगर उससे भी आपका सेटिस्फाई नहीं होंगे तो एक बार आपने रील को जरूर जाना है, तो फिर पता लग जाएगा कि कितनी असली और कितनी नकली। तो सर जो उसमें मेरे को ये जानना था, जैसे कभी चेयर उठा के मार देते हैं, कभी वैसे मार देते हैं, तो उसमें मतलब जब इंसान को लगती है तो उसकी कैसे प्रिपरेशन होती है वो जानना था। उसकी ट्रेनिंग दी जाती है पहले ही, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप एकदम उठ के आएंगे और सिर पे मतलब चेयर लेंगे। उसकी प्रैक्टिस होती है और कई सालों की प्रैक्टिस लगती है, 3-4 सालों की, 5 सालों की प्रैक्टिस लगती है, तब जाके वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और आप आइए, खुद अनुभव करिए पहले, फिर आपको जैसे बोलते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगे। तो सर आपका मतलब जब करियर स्टार्ट हुआ था इंडिया से, तो आप तो वन ऑफ द फर्स्ट थे जो यहाँ से वहाँ उस स्टेज पे गए थे, तो आपको मतलब कैसे प्रेरणा मिली मतलब वहाँ जाने के लिए, स्टार्टिंग का करियर कैसा था उस टाइम? नए नए केवल चले थे, उतना सोशल मीडिया भी नहीं था, एंटरटेनमेंट का जरिया एक ही था, वो था रेसलिंग। अच्छा। क्रिकेट कभी कभी आता था, क्रिकेट डेली तो आता नहीं, और दूसरी गेम तो आती नहीं है कोई टीवी पे, तो एक फिजिकली स्ट्रांगली एक पॉजिटिविटी वो उससे मिलती थी कि भी एज ए मतलब रेसलिंग को देख के, तो वही बस देख के हमारा मतलब हमने स्टार्ट करी। अच्छा। और सर ये जो भी आपने ढाबा बनाया उसके पीछे क्या थॉट था आपका मतलब? उसका ये कि भी जो लोग प्रैक्टिस तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन खाना उनको अच्छा नहीं मिलता, तो मैं सोचता कि उनको एक खाना भी हाइजीनिक खाना मिले, क्योंकि हाईवे पर है यहाँ पर बहुत कम अच्छा खाना, रेस्टरूम, पार्किंग बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको देख के हमने कि भाई स्पेशली जो पंजाब का कस्टमर है, दिल्ली का है, वो तक यहाँ पर आए और आराम से साफ सुथरी जगह पे खाना खा सके और हाइजीनिक खाना खा सके, ताकि हेल्थी रह सके, फूड पॉइजन ना हो। ताकि सर बस लास्ट के 2 सवाल हैं, एक तो आपके करियर में आपको सबसे टफेस्ट जो रेसलर था वो कौन लगता था? टफेस्ट रेसलर तो देखो बतिस्ता बहुत टफ था, अंडरटेकर टफ था, बिग शो, ट्रिपल एज, जॉन सीना, ये टफ बहुत काफी टफ रेसलर थे। सर बस एक सवाल है कि हमारी जनता को आप एक मैसेज अगर देना हो तो क्या देना चाहेंगे? मैं आपकी जनता को और ऑडियंस को यही मैसेज दूंगा कि भी आप रेसलिंग को देखो, एंजॉय करो, और घर पे ट्राई मत करो क्योंकि चोट लगती है ज्यादा, तो नशे से दूर रहो। नशा करना है तो स्पोर्ट्स का करो, जो ताकि उतरेगा नहीं। और अगर सिर्फ देखनी है, रेसलिंग का शौक रखते तो आप आइए, और हमारा सैटरडे संडे को जो शो होता है उसको देखिए, ढाबे पर फ्री है, कोई टिकट नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सही बात है, थैंक यू सर।